आज के इस वीडियो में हम सेल्स टीम के परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे यूज करके आप अपनी दोनों ही सेल्स टीम, जैसे इनहाउस सेल्स टीम है और आपके जो आउटडोर सेल्स टीम है, दोनों को पूरी तरह से ट्रैक कर पाएंगे और उनका पूरी तरह से परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। सेल्स टीम मतलब यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सेल्स टीम को जब हम उसको मॉनिटर करना शुरू करेंगे, जब आप ट्रैक करना शुरू करेंगे, तो आपके पास में क्या होगा कि आपके इंक्रीज करेंगे क्लोजर रेट्स। क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि आपका जो सेल्स टीम है वो परफॉर्म करने लग जाएगी, उनके पास में उनके नंबर्स विजिबल होंगे, राइट। उनके सारे परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हम उसको शेयर करेंगे, उससे क्या होगा उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होने लगेगी। सारी चीजें क्या होगी, डेटा ड्रिवन आपके पास में हो जाएगी। आपके पास में क्या होगा, पूरी तरीके से इस फॉर्म में ये जो है डैशबोर्ड्स मैंने बना के रखे, तो सारा जो चीजें हैं वो हमारे पूरी डेटा ड्रिवन हो जाएंगे हमारे। और यदि कोई आपको कोई चीज पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, हमारे जो डिसीजन होंगे, मार्केटिंग के डिसीजन हो गए, हमारी जो ग्रोथ के डिसीजन होंगे, वो सारे क्या होंगे, हमारे डेटा ड्रिवन होंगे। क्योंकि हमें पता है कि कहाँ पे कितनी सेल्स हमें मिल रही है, हमारी इनहाउस सेल्स से कन्वर्जन ज्यादा आ रहे हैं या फिर हमको फील्ड एफर्ट्स बढ़ाने हैं, तो ये वाली सारी चीजें जो है हमारी पूरी क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएंगी, राइट। हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे कि भाई अब हम इसको डिजाइन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला इनहाउस सेल्स टीम एंड सेकंड जो होगा हमारा आउटबाउंड फील्ड सेल्स टीम। इनहाउस सेल्स टीम के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने ट्रैकर बना के रखा है, आप यहाँ पे डाउन डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा के पूरा सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि इनहाउस सेल्स टीम के लिए एक कॉलम में क्या होगा, यहाँ पे डेट होगी, जिस डेट पे उन लोगों की रिपोर्टिंग हो रही है, हर डेट बाय डेट क्या होगा, यहाँ पे सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि भाई 9/2/2023 को यहाँ पे कौन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम रानी है और उनको कितनी लीड मिली थी, आज 8 लीड मिली है, राइट। और जो टोटल फॉलोअप उन्होंने किया है आज के दिन में पुरानी लीडों को मिला के, वो टोटल 30 लीड का फॉलोअप किया है, राइट। उसमें से 30 लीड में से टोटल कितनी क्वालिफाइड है, 12 क्वालिफाइड थी, और आज के दिन में उनका विनिंग रेशियो जो टोटल उन्होंने वन की है लीड, वो कितनी है, 4 है। वैसे ही हमारे हर एक सेल पर्सन का डेट के हिसाब से, जैसे 9 तारीख को हमारे यहाँ पे 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव है, रानी, महक, वरुण एंड पूजा। सो ये चारों का यहाँ पे प्रॉपरली एंट्री हुआ है, राइट। सो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो इनहाउस सेल्स टीम है, ये सैंपल फॉर्मेट मैंने बना के रखा है ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग इस चीज की आ जाए कि ये कैसे काम करेगा ये वाला ट्रैकर, राइट। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो सेल्स टीम के लोगों के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे उन लोगों ने कितनी लीड आज नई फॉलोअप की, टोटल कितनी कॉलिंग हुई आज उनकी, टोटल उसमें से क्वालिफाइड लीड कितनी थी, क्वालिफाइड लीड मतलब कि जो इंटरेस्टेड थे और वो जो बेसिकली आपके कस्टमर्स हैं, राइट, और उसमें से उन्होंने कितनी यहाँ पे लीड विन हुई है, कितना बिजनेस आज आया है। तो ये था हमारा इनहाउस सेल्स टीम का ट्रैकर। अब नेक्स्ट जो है हमारी फील्ड सेल्स टीम का ट्रैकर है। जो फील्ड सेल्स टीम है उसमें भी सेम आएगा, डेट आएगा, बट फील्ड सेल्स टीम में एक चीज ये होती है कि आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो बाहर जाके कस्टमर के साथ में डेमोस्ट्रेट करता है अपने प्रोडक्ट को, उनके साथ में मीटिंग करता है। तो इसके अंदर जब हम ट्रैकिंग करेंगे तो यहाँ पे डेट आएगी, बी कॉलम में सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम आएगा, उसके बाद में सी कॉलम में क्या होगा, कितनी विजिट आज के दिन में उस डेट में उन्होंने की है, राइट। और उसके बाद में विजिट के बाद में उनके कस्टमर के साथ में कितनी मीटिंग लगी, मतलब कितने कस्टमर उनको ऑन विजिट मिल गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों की साइट पर विजिट होती है, कस्टमर के पास में हम जाते हैं, बट जो मेन जो इन्फ्लुएंसर है, जो डिसीजन मेकर है, वो हमें नहीं मिलता है। वहाँ पे उस दिन यहाँ पे आता है कितने ऑर्डर उस दिन रिसीव हुए, तो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने कितनी विजिट की, कितनी कस्टमर के साथ में मीटिंग लगी उसकी, और उसमें से कितने ऑर्डर उनको मिल गए, राइट। ये एक प्रॉपरली पूरा डेट वाइज ट्रैकिंग होगा। यहाँ पे जैसे 9 तारीख का है तो यहाँ पे आपके 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव है, अर्जुन, अभिषेक, वरुण एंड गौरव, मान लीजिए 4 आपके फील्ड एग्जीक्यूटिव है, तो ये इन लोगों का क्या क्या रिपोर्ट रहा है, राइट। ये अब ये डेटा फिल कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको एक कोई पर्सन होगा जो ये सारा चीजें फॉलोअप ले लेगा, आपकी इनहाउस टीम के चारों लोगों के पास में जाके ये फॉलोअप ले लेंगे और यहाँ पे वो पूरा डेटा को फिलअप कर देंगे, राइट। जनरली ये प्रोफाइल जो होती है वो सेल्स कोऑर्डिनेटर की होती है, जो आपकी पूरी सेल्स टीम को मॉनिटर करता है, उनको ट्रैक करता है, उनके परफॉर्मेंस को शेयर करता है और वो पूरा प्रिसाइज एक आपको रिपोर्ट बना के भेजता है, राइट। यहाँ पे हम किसी भी जो आपकी कंपनी में यदि कोई ऐसा पर्सन है जो जिसको बेसिक सेल्स
जो बेसिक गूगल शीट या एक्सेल वाली चीजें उनको आती है, उनको हम ये चीजें समझा के ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रैकर एज इट इज। तो आपके सेल्स टीम इन हाउस से भी फॉलो अप कर लेगा और आपकी फील्ड टीम से भी फॉलो अप करके इसमें सारा डेटा जो है वो इसमें फिलअप कर देगा। अब हमारी जो है वो सेकेंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो अब हम चलते हैं हमारी थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे हम लोगों का क्या है कि हम डैशबोर्ड एनालिसिस करेंगे और व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है। जो डैशबोर्ड है वो इस टाइप से यहाँ पे बने हुए हैं। जब आप अपना डेटा इस फॉर्मेट में भरेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड मंथ वाइज सारी चीजें आपको दिख जाएगी। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम सितंबर का डेटा यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, ये हाउस सेल्स ट्रैकिंग डैशबोर्ड है। इसके अंदर आप देखेंगे कि सितंबर मंथ हमारा चल रहा है, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन है, 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जिन्होंने जो टोटल लीड का जो फॉलो अप हुआ है वो कितना है, 2098 है, जिसमें महक ने 510 किया है, पूजा ने 524 किया है, रानी ने 548 किया है और वरुण ने 516 किया। इसमें से जो टोटल विनिंग है वो 54 लीड जो है, 54 लीड्स जो है वो महक ने विन की है, 70 पूजा ने की है, 69 जो है रानी ने की है और वरुण ने 65 की है। तो यहाँ पे हमको ये पता चल जाता है मंथली परफॉर्मेंस के भाई मंथली बेसिस पे कैसी चीजें चल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है जो टॉप परफॉर्मर है आपकी यहाँ पे पूजा है, जिन्होंने 1/524 में से 70 लीड्स जो है उसका कन्वर्जन है, राइट। तो ओवरऑल आपकी सेल्स की टीम का कितना है, जो एवरेज कन्वर्जन है 12.30 है। तो आपको आप यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि महक का कन्वर्जन रेट थोड़ा कम चल रहा है दूसरे से, तो यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है कि रूट कॉज क्या है, जो लो परफॉर्मर है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने देखा कि महक का जो परफॉर्मेंस है वो कम चल रहा है, तो नाउ द नेक्स्ट थिंकिंग इज कि आपको अपने रूट कॉज वाली चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि महक पे बेसिकली उनको क्वालिफाइड लीड कितनी मिल रही है, उनको उनकी आप कॉल ऑडिट करेंगे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उसके बाद में यदि कोई एक्शन उनको टाइमली फीडबैक देने लगे। वाला डैशबोर्ड डिस्कस करते हैं हमारी फील्ड वाला। तो फील्ड में अभिषेक है, अर्जुन है, गौरव है एंड वरुण है, ये सितंबर मंथ का हमारा ट्रैकिंग है, जिसमें जो टॉप परफॉर्मर आपका है जो अभिषेक है, 62% कन्वर्जन है, मतलब टोटल उन्होंने 139 विजिट की जिसमें से 87 उनको ऑर्डर मिले हैं, राइट, जिनकी कस्टमर के साथ में उनकी विजिट उतनी लगी और 87 उनको ऑर्डर मिले हैं। तो यहाँ पे जो है जो सबसे लो परफॉर्मर है दैट इज द गौरव। तो यहाँ पे बेसिकली हमको ये आइडेंटिफाइड हो जाता है कि कौन हमारे सेल्स का सुपरस्टार है। यहाँ पे अभिषेक को आप इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं, उनको आप ये चीजें अप्रिशिएशन भी दे सकते हैं, टीम की मीटिंग में अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब गौरव के साथ में बैठ के आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पे वो फंस रहे हैं, राइट, कहाँ पे वो चीजें कस्टमर को क्वालिफाई नहीं कर पाते, कोई पोटेंशियल कस्टमर है तो कौन से ऑब्जेक्शन को वो हैंडल नहीं कर पाते, कहाँ पे चीजें आपकी यहाँ पे रुकती है। आप प्रॉपरली ट्रैक करके यहाँ पे अपनी टीम के साथ में, अपनी जो टीम है उसकी टीम को प्रॉपरली आप क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं, उसको फीडबैक की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हैं कि आप मंथली वीक मीटिंग लेंगे या फिर वीकली मीटिंग के बेसिस पे आप क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को ट्रैकिंग के साथ साथ अपनी टीम को फीडबैक्स भी देना शुरू करेंगे। तो यहाँ से जो है आपकी टीम में चेंज आना शुरू होगा, बिकॉज क्या होगा, उनके सामने उनके नंबर्स आ रहे हैं, राइट, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल सिस्टम, राइट, जिसे आप अपने बिजनेस में यदि इस्तेमाल करते हैं तो अपनी सेल्स टीम के अंदर स्पेशली, तो इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बिजनेस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।